सभी व्यक्ति हथियार रखे, हथियार रखने का शौक जुनून पैदा हो, क्योंकि देश दिन पे दिन यह युद्ध की तरफ होता जा रहा है। जो हालत कश्मीर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाले, क्योंकि यहाँ पर मस्जिदों की, मदरसों की, आतंकवादियों की, ISIS के एजेंटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आप समाचार में देख रहे होंगे, आज यहाँ आतंकवादी पकड़ा गया, हिजबुल मुजाहिदीन का, लश्करे तोयबे का। कश्मीर वाली स्थिति होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे। लड़ाई में दो चीज चाहिए, हथियार चाहिए और बच्चे चाहिए। बच्चे हिंदू तो पैदा होने रहे, जिसके एक हो गया दूसरा कर नहीं रहा, तो आदमी को तो फिर अपने आप ही खत्म होती जा रही है। हथियार किसी को लेना नहीं है, सबको क्या है, मोबाइल खरीदो, गाड़ी खरीदो, बिल्डिंग बनाओ बहुत बड़ी बड़ी, उसमें सोफा सेट लो 1,00,000 रुपए का, LCD लगवाओ 50,000 की, क्यों भाई 10,000 की में क्या उसमें कम पिक्चर दिख रही है। लेकिन हमारा जो हमारी व्यवसायता दिखाने के लिए, अपना झुट्टा, अपने आप को अमीर दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो हमारा सभी से यही निवेदन है, सभी आदमी हथियार खरीद दे, अपने पास रखो, विपत्ता में यही आप, जब भी झगड़ा होता हथियार ही काम आता, मोबाइल काम नहीं आता। लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात को, जैसे झगड़ा होगा फिर तुरंत भागेंगे। तो इसलिए सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक हथियार खरीदे और शस्त्र पूजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। अब मैं निवेदन करूंगा, 14 अंजलि आ रही, आऊंगे फिर बताऊंगी थोड़ा सा शस्त्र पूजन। जो कि बहुत ही अच्छी पहल है अखाड़े की तरफ से शस्त्र पूजन के बारे में जागरूक करने की, लेकिन जागरूकता कम ही है फिर भी, क्योंकि हम काफी वर्षों से प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन संख्या यही रहती है। तो शस्त्र हमारे समाज में बहुत ही जरूरी है, समाज की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए भी। तो हम सभी को शस्त्रों का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी आपको बिना शस्त्र नहीं मिलेगा। उनके जितने भी हाथ हैं, उनमें चाहे 4 हो 8 हो 10 बुधाए, सब में शस्त्र मिलेंगे आपको। कोई भी निहत्था नहीं होगा, क्योंकि निहत्था रहकर हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और प्राचीन काल में तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, उसमें कन्या शिक्षा और शास्त्र शिक्षा दोनों दी जाती थी, दोनों की शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए चाहे लड़की हो या लड़का हो, सभी उसकी शिक्षा ग्रहण करते थे और हर कोई उसमें पारंगत होता था। आप इतिहास उठाकर देख लो कि पहले जितनी भी लड़कियां थी, कितनी रानियां, महारानियां, रानी केकई हो, माँ दुर्गा हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, सभी की शिक्षा में पारंगत थी। और नारी तो शक्ति का रूप है, हमेशा से ही उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो शस्त्रों को सीखना बहुत जरूरी है। और आज तो हमारे समाज में इस्लामिक जिहाद नाम की बीमारी इस तरह से फैल गई है, जैसे कैंसर फैला हुआ है। जिस तरह से कैंसर पूरे समाज शरीर को खोखला कर देता है, उसी तरह से इस्लामिक जिहाद ने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। तो इससे निपटने के लिए हमें शस्त्रों का प्रशिक्षण लेना होगा, नहीं तो जिस तरह से हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर यहाँ से मिटा दिए गए, वो दिन दूर नहीं जब हम यहाँ से भारत से मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि अब हम इसी एक छोटे से भूभाग में सिमट कर रह गए हैं और यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए हमें हथियारों का प्रशिक्षण लेना होगा, तभी हमारे धर्म की, समाज की रक्षा हो पाएगी। पहाड़ को हो जाइए पीछे को, कभी पता लगे एक अंधे के छुटके लग गए गले में घस जा मारे। हां ये खड़े है ना, कंटेन भी लगा रहे थे भैया। अगर आप लोग उस ग्रिल पर ना, हम अरे भाई सबको देखेंगे बेटा पीछे वाले। हां जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बलंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी ने कुछ क्या तो ना बेटा, यहाँ से तुम्हें इधर इधर आ जाए, इधर प्रवेश सर, आइए। जाओ तुम बुला रहे, जाओ खारी मचा दो, राम मचानी को देगी खा देखते जंग छुट्टी।
बैठ जा, चलानी है तुझे भी। एक कार्ड और थोड़ा सा।